सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फॉर्म स्लिप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जहाँ पर आपको अच्छी सैलरी मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पोस्ट डिटेल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या होने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और इम्पोर्टेंट डेट आपके क्या क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आपके होने वाले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंतर्गत में, जो हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद पोस्ट यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए टोटल यहाँ 11 पद दिए गए हैं। एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं 4 नवंबर 2022 से और लास्ट डेट होंगे 21 नवंबर 2022। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ बात करें तो जनरल EWS और OBC को 800 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर SC ST PWBD वालों को 400 रुपये के एप्लीकेशन फ़ी देने होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार रखी गई है, जहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और इसके साथ में आपके पास टाइपिंग पास के सर्टिफिकेट होने चाहिए। एज लिमिट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 वर्ष तक का एज यहाँ पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त एज रिलैक्सेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, जहाँ पर ST SC और OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। सैलरी के बारे में आप बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर सैलरी रखी गई 40,970 से 1,24,380 तक की सैलरी, जो कि पर मंथ की आपकी होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर इस प्रकार रखे गए हैं, जहाँ पर आपके लिए CBT होने वाले हैं और इसके बाद में आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे और बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो यहाँ पर आपके पेपर इस प्रकार होने वाले हैं, जहाँ दो पार्ट में आपके पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट होंगे, पार्ट ए के अंतर्गत में जनरल नॉलेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, मैक्सिमम मार्क 40 के होंगे। पार्ट बी के अंतर्गत में जनरल इंग्लिश होंगे, जहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 40 होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2022 का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उसके बाद में सबमिट का बटन दबाकर आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है और जो सामने डिटेल दिख रहे होंगे उनको प्रिंट में निकाल लेना है, जो फ्यूचर में आपके काम आएंगे। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके लगने वाले हैं 10th 12th के मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट, इसके अलावा आपके सारे सर्टिफिकेट्स, आपके फोटोग्राफ। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो 21 नवंबर 2022 तक अपना आवेदन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फॉर्म स्लिप में बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले।